हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक जिनमें हमें कल बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिल सकती है प्रॉपर एंट्री और एग्जिट लेवल के साथ। हमारी लिस्ट में फर्स्ट आगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसे कि आप देख रहे हो 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेक्टेंगल पैटर्न में ट्रेड करा है और अपनी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर चुका है और छोटा सा कप पैटर्न फॉर्म किया है। अगर कल जी अपने 870 लेवल को ब्रेक करें ना, तो हमें बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिलेगी। हम इसको बाय कर सकते हैं जब जी अपने इस छोटे से कप पैटर्न को ब्रेक करे 870 पर। हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 877, सेकंड होगा 885। हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे 864। हमारी लिस्ट में सेकंड स्टॉक है विप्रो। विप्रो 50 मिनट टाइम फ्रेम में अपने कप पैटर्न का ब्रेकआउट कर चुका है और उसके ऊपरी कंसोलिडेट कर रहा है छोटे से कंसोलिडेशन जोन में। अगर कल जी अपने इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करें ना, तो हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, 600 तक के लेवल आ सकते हैं। हम इसको बाय करेंगे 590 पर। हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 595, सेकंड होगा 599। हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे 586। हमारे लिस्ट में थर्ड स्टॉक है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल 50 मिनट टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करके आज छोटे से असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में ट्रेड करा। अगर कल जी अपने असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के हाई को ब्रेक करे, तो हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। हम इसको बाय करेंगे 975 प्लस पर। हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा 982, सेकंड होगा 990। हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे 970। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर।